मैं एक स्टेट एजेंसी के बाहर हूँ और एक स्टेट एजेंट जो है यहाँ के मारूफ वो हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम नसीर। वालेकुम अस्सलाम। नसीर देखे, पहले 6 बजे की 6 से 6 की टाइमिंग की गई थी, फिर बड़ा वावेला मचा और कहा गया कि भाई इस तरह तो हम अपना कारोबार जो है वो तबाह कर देंगे। एक दफा फिर से अभी पुराना वाला जो लहर गुजरी थी, पहली वाली कोरोना की लहर, उसमें जो नुकसान हुआ था, कुछ लोगों ने कहा कि अभी तक तो वही पूरा नहीं हो सका, अगर इसी तरीके से ये सख्त लॉकडाउन किया गया तो फिर तो हम तबाह हो गए बिल्कुल। अब फिर हुकूमत सिंध ने 8 बजे से 8 बजे की टाइमिंग कर दी 2 घंटे के लिए, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई हर कारोबार की, हर काम की नौयत उसके 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 टाइमिंग डिपेंड करती है उसके, वो किस काम किस वक्त उसका जो है वो कारोबार पीक टाइम पे होता है। स्टेट एजेंसी के मामले में कहा जा रहा है कि भाई कम से कम टाइम जो है वो 10 बजे करना चाहिए, तो इसकी क्या ये डिमांड आप क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि यहाँ के लोग जो है वो उठते ही तकरीबन 12 बजे 1 बजे, तो ज्यादातर लोग फारिग होते हैं तकरीबन 6-7 बजे के बाद ही, तो 10 बजे लोग फारिग होकर आते हैं इस काम के लिए, कुछ चीज लेनी है देनी है उसके, तो ये होता है इसलिए कम से कम 10 बजे तक होना चाहिए। नसीर, जो पहली वाली लहर थी कोरोना की आज से तकरीबन 4-5 महीने पहले जो थी, उसमें आपका जो नुकसान हुआ था सख्त लॉकडाउन से, वो आपका कवर हो गया था इन 4 महीनों में या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके ख्याल में एक सख्त लॉकडाउन के और मुतहमिल हो सकते हैं हम लोग या नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 10 बजे की टाइमिंग, 10 से 10 की अगर टाइमिंग आप लोगों के लिए फर्ज करें कि एक्सेप्शनली बेसिस पर अगर कर दी जाए कि स्टेट एजेंसी का काम चूंकि शाम में अमूमन शुरू होता है और लोगों को देखने के लिए भी जाहिर है फ्लैट वगैरह आप मकान वगैरह दिखा रहे हैं, तो अमूमन वो अपनी जॉब खत्म करने के बाद ही आते हैं, तो अगर 10 आपको एक्सेप्शनली बेसिस पे फर्ज करें कि हुकूमत से अगर इजाजत दे दे तो फिर आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, फिर आपका वो नुकसान जो अब तक आपका हो चुका है वो पूरा हो जाएगा। थोड़ी बहुत बेहतरी आएगी, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत बेहतरी आ जाएगी, अभी बिल्कुल काम नहीं है, एकदम काम बिल्कुल ठप पड़ा हुआ, हो ही नहीं रहा। यानी कि आप 8 बजे से 8 बजे की टाइमिंग आप लोगों के लिए सुटेबल नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको दिखाने की सिर्फ आई हूँ कि देखें हम हर एक तबके की अगर बात करते हैं ना, तो स्टेट एजेंट्स का एक बहुत बड़ा एक तबका जो है जो इस शोबे से वाबस्ता है और बड़ा कलीदी शोबा है, हमें इसकी भी तो कभी हमने आवाज सुनी है, कभी इनके साथ जो मसाइल होते हैं इस लॉकडाउन में तो हम आ गए, वैसे भी हम अमूमन इनके लिए बात नहीं कर रहे होते, लेकिन क्या इनका ये जो मसला है कभी इससे पहले जो है किसी ने सोचा है? अब देखें, अगर स्टेट एजेंट, एक तो ये समझ लीजिए कि हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं ना, मैं फिर से एक दफा आपको याद दिला दूं, गुलिस्तान जौहर ये उन इलाकों में से है जहां पर आपको सबसे ज्यादा फ्लैट्स मिलेंगे और सबसे ज्यादा जो खलकत है ना कराची की, वो आपको बड़ी हैरानगी होगी कि एक सर्वे के मुताबिक गुलिस्तान जौहर में सबसे ज्यादा कराची का जो बाशिंदा है वो पाया जाता है, क्योंकि इतने फ्लैट्स हैं यहाँ पर, एक एक फ्लैट में कितनी 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 एक एक फैमिली अगर भी रह रही है, तो आप जरा देखिए कि इस पूरे फ्लैटों के जंगल में आप सोच लीजिए कि यहाँ पर कितना ज्यादा इस काम को जो है उसकी जरूरत महसूस लोग कर रहे होंगे और कितनी ज्यादा ये अहम एक शोभा है जिसको मेरे ख्याल में कि इनकी बात सुनना और इनकी बात को समझ कर इनके इस मसले को हल करना मेरे ख्याल है ये बहुत जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आबिद रसूल है, मुझे तकरीबन गुलिस्तान जौहर में 30 साल हो गए। जब मैं यहाँ गुलिस्तान जौहर आया था फेडरल बेस से, तो गुलिस्तान जौहर बिल्कुल जंगल हुआ करता था, यहाँ रिहाइश भी नहीं थी, मेरे सामने थोड़ी जगह आबाद हुए हैं। पहला केस जब ये कोरोना का आया 26 फरवरी को, उसके बाद जो है हमारा कारोबार जो है जो चल रहा था वो जो है 17 मार्च के बाद से प्रॉपर 21 मार्च के बाद से हमारा कारोबार तबाह होने लगा, क्योंकि यहाँ जो रिहायशी हैं वो वन बेड लाउंज के ज्यादा रिहायशी हैं जिनकी आमदनी होती है 10-12 हजार, वो बड़ी मुश्किल से जो है 12 हजार रुपए की किराया अफोर्ड कर सकते हैं, टोटल उनकी आमदनी जो है 18-20 हजार होती है, जो 8-9 हजार का किराया लेते में ये फ्लैट लेते थे, लेकिन इस 8 महीने के लॉकडाउन ने जो उनकी कमर तोड़ के रख दी है। इस वक्त मेरे पास 65 से 70 फ्लैट ऐसे हैं जो वन बेड लाउंज के रिहायशी हैं, जैसे हम इकरा फेज 1 से लेकर फेज 2 तक के तकरीबन जो है 550 फ्लैट फेज 1 में और फेज 2 में जो है वन बेड लॉन्च किए, ये ए ब्लॉक और बी ब्लॉक टोटल वन बेड लॉन्च है। अब यहाँ के लोगों का मौशी हाल ये हो गया कि खत्म हो गया है, 6 महीने की लॉकडाउन की सूरत जो प्रीवियस गुजर चुकी है उसमें जो उन्होंने 6-6 महीने के किराए नहीं दिए, उनके बिजली का बिल, उनका गैस का बिल, उनका पानी का बिल और उनका मेंटेनेंस बिल खत्म होकर रह गया है। अब वो यहाँ आके हमारे पास जो उनकी फैमिलीज, उनके बच्चे, इवन के उनकी जो है बीवियाँ, जो हमारी बहनें हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, वो आके रो रही होती हैं। और मैं आपको K21 के चैनल के हवाले से बताऊँ कि इस वक्त गुलिस्तान जाओ के जितने भी रिहायशी हैं कारोबारी हवाले से बहुत परेशान है, पुलिस आती है 6 बजे जो बंद कराई थी 1500 लेती है और कारोबार बंद करा के चले। कहने का मकसद ये कि अगर आप थोड़ा सा टाइम अगर आप ज्यादा ले रहे हैं तो पुलिस फौरी तौर पे बंद कराने के लिए आ जाती है, लेकिन अगर कोई आपके साथ स्नैचिंग हो रही है तो उसके लिए पुलिस पास में खड़ी होगी तो नहीं आ। अच्छा, अभी आप जो है जो गवर्नमेंट ने जो है 6 बजे से जो है टाइम बढ़ा के 8 बजे तक किया है,
वो बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन फिर भी जो है 8:15 बजे पुलिस का रूटर स्टार्ट हो जाता है, पुलिस वाले मोबाइल पे आते हैं, दुकानों को बंद कर आते हैं। अच्छा, जिन दुकानदार से उनकी सेटिंग है उनसे 1500 लेके जो उनको कहते हैं बैठे रहे, जैसे ये पकवान वाले हैं, जितने पकवान वाले हैं, A1 है और ये ब्रोजना सच्ची वाला है, इनसे इनकी सेटिंग है महीने की 15-15-20 हज़ार रुपये की, बल्कि डेली की सेटिंग है, इनको कुछ नहीं है। अभी परसों जो है हमारे एक दो जो है प्रॉपर्टी वालों को थप्पड़ भी मार के गए पुलिस वाले, और हमारा भी ऑफिस बंद करा के गए थे। हमारे बराबर जो है समद भाई हैं, मजहर भाई, इनकी दुकान बंद करा के गए। अच्छा, फिर उसका कैंटोनमेंट ने बहुत तंग करके रखा हुआ है, बगैर इतला दिए आते हैं, जो रोडों पर सामान रखा होता है सब उठा के ले आते हैं, किसी के पथियारे ले आते हैं, बराबर में ये बुक स्टॉल के बराबर में जो है कामरान भाई की दुकान है, यहाँ से सामान ले आते हैं। इस वक्त सबसे जो हम तंग है, कारोबार से तो तंग है, मौसी हालात से तंग है, बेरोजगारी है, लेकिन पुलिस और कैंटोनमेंट के हवाले से हमसे ज्यादा परेशान। अच्छा, आप ये बताइए कि क्या जो इस वक्त 8 बजे का आपने कहा है कि चलो कदरे बेहतर टाइमिंग है, लेकिन हमारे लिए ज्यादा बेहतर टाइमिंग 10 बजे की रहेगी, तो ये मुझे बताइएगा कि क्या, मैंने अभी नसीर से भी ये सवाल किया था, मैं आपसे भी ये करूंगी, जो पहला कोरोना का जो केस, उसके बाद से आप लोगों के और पूरा कराची के, पाकिस्तान और पूरी दुनिया के इवन जो हालात नीचे आना शुरू हुए, बिलखसूस कराची की अगर हम बात करें, हम क्या मुतहम्मिल हो सकते हैं एक और सख्त लॉकडाउन की, अगर खुदा ना खास्ता इसका अगर खदशा हो या अगर ऐसा हो गया, आप सर्वाइव कर पाएंगे आप या नहीं? पूरी दुनिया में जो है कोरोना है, ठीक है, मईशत पूरी दुनिया की तबाह हो चुकी है, इकोनॉमी डैमेज हो चुकी है, लेकिन कोरोना के केस आ रहे हैं, आप 45,000 टोटल पूरे पाकिस्तान के टेस्ट करते हैं, उसमें 3,000 केस आए थे जिसमें 50 की हलाकत हो जाती है या वो इंतकाल कर जाते हैं। मेरे फादर इनला खुद जो है इस वक्त कोविड के पेशेंट है और हिल पार्क हॉस्पिटल एडमिट है, मैं डेली 4 दिन से उनके पास जा रहा हूँ। होता क्या है कि हमारे हॉस्पिटलों का बहुत बुरा हाल है। अच्छा, अब रहा कारोबार के हवाले से, कारोबार तो तबाह हो चुका है, कम से कम जो 10 बजे तक का टाइम था ना, सुबह 10 बजे से जो बिजनेस है, 10 बजे से रात 10 बजे का टाइम दे, 10 बजे के बाद हमारी जो भी आवाम है उसको खुद चाहिए कि अपना कारोबार बंद कर दे। हम चाहते हैं कि 10 बजे तक हम काम करें, 10 बजे का हम खुद अपना कारोबार बंद करें। अच्छा, यानी कि अगर 10 से 10 का टाइम अगर रख दिया जाए तो आप रजाकाराना तौर पे 10 बजे बिल्कुल फिर किसी को आने की जरूरत नहीं होगी, आप खुद बंद करेंगे? अगर 10 बजे से 10 बजे का टाइम रख दिया जाए, हम SOPs फॉलो कर रहे हैं, मास्क का कंटिन्यू इस्तेमाल कर रहे हैं, सैनिटाइजर हमारे ऑफिस में मौजूद है और हम बगैर मास्क के अपने ऑफिस में किसी को आने भी नहीं देते, जरूरी नहीं कि लिख के लगाया जाए, लेकिन अगर 10 बजे से 10 बजे का टाइम कर दिया जाए, हम उसके लिए जो है हर तरह से गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट करने के तैयार हैं। बहुत शुक्रिया। यानी कि ये क्लियर अल्फाज में जो है वो बताया जा चुका है हमें कि अगर इससे ज्यादा यानी सख्त लॉकडाउन अगर लगाया गया तो जो पहले ही कमर टूटी हुई थी पहले वाले लॉकडाउन में जो नुकसान हुआ है वो अभी भरा नहीं है, इस वजह से हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते एक और सख्त लॉकडाउन के। तो अब सख्त लॉकडाउन को आप किस तरीके से आपने डील करना है कि आपने SOPs का ख्याल रखना है, तो ये मुझे बताएं कि आप इस मुतालबे को सरीहन एक मानते हैं कि वाकई में ये बात दुरुस्त है या आपको लगता है कि 8 बजे की टाइमिंग दुरुस्त है? ज्यादा बेहतर यही है कि 10 बजे तक हो जाए शाम को, सुबह से अगर 8 बजे से शाम 10 बजे तक हो जाए रात को ज्यादा बेहतर है। वैसे भी आप घर से कोई चीजें लेने जाते हैं तो आमतौर पे बच्चे भी जो हैं वो 10 बजे तक जो जाग रहे होते हैं, आपको चीजों की जरूरत भी पड़ रही होती है, तो आप जो है बेहतर यही है कि आप 10 बजे तक जो है ना इसको ओपन रखें जितनी भी मार्केट है। जनाब, 10 बजे का इस जगह पे मुतालबा किया जा रहा है। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ, ऐसे कारोबार करने वालों को जानती हूँ, ऐसे काम करने वालों को जानती हूँ जो कहते हैं कि ठीक है सही है, 8 बजे से 8 बजे की टाइमिंग गुड है, हमारे लिए सही है, यहाँ से हम ले रहे हैं इजाजत। लेकिन अब हम आपको गुलिस्तान जौहर के किसी दूसरे स्पॉट से ज्वाइन करेंगे, किसी मारूफ स्पॉट से, और वहां पे मालूम करेंगे कि क्या 10 से 10 की टाइमिंग मुनासिब है या फिर 8 से 8 की जो इस वक्त टाइमिंग चल रही है वो ज्यादा मुनासिब है। मेरे साथ रहिए। वही वाली बात जो हम पहले प्रोग्राम के हिस्से में बात करते चले आए कि लोगों की सिर्फ एक आरा जानने के लिए हम आए हैं कि क्या 8 बजे से 8 बजे की टाइमिंग, जो कि 6 बजे से 6 बजे की टाइमिंग को कुछ दिन के बाद जो है वो चेंज करके उसमें रिलैक्सेशन देकर हुकूमत ने जो है वो 8 से 8 की टाइमिंग रखी हुई है, क्या ये ज्यादा बेहतर है इस कोरोना की दूसरी लहर के दरमियान जो ये हालात चल रहे हैं इसमें क्या ये बेहतर है, या फिर लोगों का जो एक तबका जो है वो ये कह रहा है एक बहुत बड़ी तादाद में कि 10 से 10 की कम से कम टाइमिंग होनी चाहिए, इस जगह के लोगों का क्या कहना है, अब ये जरा जानते हैं। कुछ लोग मुझे नजर आए हैं, जरा अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। 8 से 8 की टाइमिंग कर दी गई है, 6 से 6 के बजाय जो है
वो 8 से 8 की टाइमिंग कर दी गई है, ये बेहतर है या जो है 10 से 10 की टाइमिंग जो है वो ज्यादा बेहतर रहेगी? 10 से 10 की टाइमिंग ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के माशी हालात आपके सामने हैं और कारोबारी तबका बेहद परेशान है, वो तो आप जानती हैं। लेकिन एक बाबा भी है हमारे साथ, आवाम से गुजारिश है कि सिर्फ एहतियात करें और एहतियात ही इसका हल है। एक बात पूछूं, ये आपके कैनोला लगा हुआ है, खैरियत तो है? ये फूड पॉइजन हो गया था। आपको क्या लगता है सर कि 8 से 8 की टाइमिंग बेहतर है या 10 से 10 की टाइमिंग ज्यादा बेहतर है? 10 से 10 की बेहतर है, क्योंकि कारोबारी मशियत हमारी बहुत ख़राब हो रही है, ना कारोबार चल रहे हैं हमारे। टाइमिंग बढ़ेगी तो कारोबार भी चलेंगे, इसके अलावा अगर टाइमिंग कम करेंगे तो लॉस होगा, ना दुकानदार काम कर सकेंगे, तो थर्ड हो रहा है उनको, तो लिहाजा 10 से 10 टाइमिंग की। मुझे भी एक यहाँ पर नज़र आया बन कबाब। बन कबाब आपको पता है कराची वालों की कमजोरी है, और ये कराची में जैसा बन कबाब मिलता है ना, वैसे पूरी पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में मैं कहती हूँ ऐसा बन कबाब नहीं मिल सकता है। तो कराची में आप देख रहे होंगे कि खास तौर पे सर्दी जब आती है, आपने ऐसी जगहों पे बहुत ज्यादा रश देखा होगा। अब यहाँ पर ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप समझ लें कि एक छोटी सी फूड स्ट्रीट है, तो यहाँ पर रश अमूमन बहुत ज्यादा होता है। लेकिन इन दिनों में क्या हम मुतहमल हो सकते हैं? और यही सवाल जो हम अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बताएं कि 8 से 8 की टाइमिंग ज्यादा बेहतर है जो हुकूमत ने भी की है, या आपको कहते हैं कि 10 से 10 की टाइमिंग होनी चाहिए, आपकी क्या राय है? ये 10 से 10 की होनी चाहिए, बेहतर तो यही है। जी जी, तो 10 से 10 की अगर टाइमिंग हो जाए तो आपका कारोबार सही चल सकता है। अभी अभी क्या जो 8 से 8 की टाइमिंग है इसमें आपका कारोबार मुतासर हो रहा है? जी बहुत मुतासर हो रहा है। जी जी, अच्छा जब ये 8 बजने वाले होते हैं या 8 बज जाते हैं तो पुलिस आती है आपके ये बंद करवाने? जी जी आती है। और अगर उस वक्त आपके ये इसी तरह लगे हों तो ये क्या वेस्ट हो जाता है सारा का सारा? जी सब नुकसान हो जाता है, 10-12 हज़ार रुपए का नुकसान हो जाता है। 10 से 10 की टाइमिंग अगर हो जाए तो फिर आपका ये नुकसान पूरा हो सकता है? जी जी, आपकी क्या राय है भाई, 8 से 8 की टाइमिंग बेहतर है जो अभी चल रही है या 10 से 10 की टाइमिंग ज्यादा बेहतर हो? ये तो 10 से 10 की टाइमिंग तो बेहतर हो। इसी तरीके से अब सर्दी आई है, मैंने आपको कहा है कि सर्दी आते के साथ ही एक फेस्टिवल वाला एक माहौल हो जाता है कराची में और रश भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसी तरीके से ये कॉफी और कश्मीरी चाय के आपको स्टॉल्स नजर आते होंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बताएं कि ये जो अभी 8 से 8 की टाइमिंग चल रही है ज्यादा बेहतर आप लोगों के लिए वो है या अगर 10 से 10 की कर दी जाए ज्यादा बेहतर वो? 10 से 10 की ज्यादा बेहतर है, क्योंकि असल में फास्ट फूड वगैरह रेस्टोरेंट का जो काम है वो नाइट में स्टार्ट होता है। 10 से 10 की फर्ज करें कि हुकूमत ने जिस तरीके से 6 की 6 को चेंज कर 8 से 8 की कर दी, अगर फर्ज करें कि कल हुकूमत को ये समझ में आ जाती है बात और वो आपको इतने रिलैक्सेशन दे देते हैं, तो क्या आप इस चीज से गारंटी ले रहे हैं कि आप SOPs के साथ जो है वो करवाएंगे, लोगों से भी पाबंदी करवाएंगे, खुद भी करेंगे अगर आपको ये एक रिलैक्सेशन दे दी जाए 10 से 10? जी बिल्कुल करेंगे, अगर 10 से 10 के हमारे को अगर टाइमिंग दे दी जाए तो SOPs का लाजमी ख्याल किया जाएगा। अच्छा, अभी 8 बजे से 8 बजे की टाइमिंग है, ये मैं अपने मालूमात के लिए आपसे पता कर रही हूँ, इसमें आपका यौमिया कोई नुकसान हो रहा है क्या? जी जी, असल में नुकसान हो रहा है, क्योंकि असल में रेस्टोरेंट जो फील्ड है वो होती है नाइट में, तो ये 8 बजे जो है रेस्टोरेंट क्लोज हो जाता है, उसमें इतनी सेलिंग नहीं हो रही है, हमारी प्रोडक्ट जो है वो जाया हो जाती है, वेस्ट करनी पड़ जाती है। आपकी प्रोडक्ट तो है भी काफी महंगी, क्योंकि जाहिर है ये कॉफी वगैरह और ये जो जितने भी हैं ये होता भी थोड़ा सा महंगा ही मामला है, कदरे जो बाकी जिसरा बाकी वो लगे होते हैं उससे मुकाबले ज्यादा थोड़ा सा महंगा होता है। तो 10 से 10 की टाइमिंग अगर आपकी कर दी जाए तो आपका ये नुकसान जो आपको रोजाना अभी हो रहा है 8 से 8 की टाइमिंग में आपको अपना प्रोडक्ट वेस्ट करना पड़ रहा होता है, उससे आपकी बचत हो जाएगी? जी जी, बचत हो जाएगी, इतना कवर हो जाएगा कि हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी पेमेंट हमें जो है निकल सकती है। अभी बहरहाल आपका 8 से 8 का नुकसान हो रहा है, राइट? ठीक है जनाब, यहाँ पर ये भी वो जगह है जहाँ पर आप ये समझ लें कि इनका कारोबार, ये जो फास्ट फूड वाले हैं, इनका कारोबार भी स्टेट एजेंट्स की तरह जो है वो शाम में जो है वो पीक टाइम होता है, और ये वो लोग होते हैं कि आप समझ लें कि दिहाड़ी पे इनकी आप समझ लें कि दिहाड़ी होती है एक तरीके से, क्योंकि ये रोजाना जाते हैं कमाते हैं तो लगता है लगी बंदी इनकी तनख्वाह नहीं होती। ये याद रखिएगा कि आप अगर जा रहे हैं या आपका कोई टाइम इधर उधर हो रहा है तब भी आप सर्वाइव कर लेंगे, नहीं, ये कम से कम ये जो फास्ट फूड हो गया, स्टेट एजेंसी और इस तरह के कई मैं आपको दिखाऊंगी आज के प्रोग्राम में भी और आगे चल के भी, कि बहुत से ऐसे कारोबार है कि जिसकी जो टाइमिंग होती है ना वो बहुत मैटर करती है कारोबार के लिए। वो जरूरी नहीं है कि आपके 8 से 8 तक का उसके लिए टाइमिंग जो होगा वो मुनासिब होगा, बहुत से कारोबार ऐसे हैं जिनके लिए 8 से 8 की टाइमिंग मुनासिब है, उनसे भी बात करेंगे। तो अभी हम चलते हैं एक वक्फे की जानिब, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो सामने वाली पट्टी जो है वहां से आपको ज्वाइन करेंगे, वहां पे लोगों की क्या राय है जरा।
आखिरी हिस्सा और आप देख रहे होंगे कि मगरिब हो गई, मगरिब की अजानें हो चुकी हैं और अब 8 बजने में सिर्फ 1.5 घंटा तकरीबन जो है वो बाकी है, तकरीबन यानी कि जो बंद होने का टाइम होता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग आए थे जब 6 से 6 की टाइमिंग की गई थी तो लोगों ने बहुत वावेला मचाया था। आपने मुख्तलिफ हमारी न्यूज पैकेजेस में और वैसे भी आपने देखा होगा, आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा कि 6 से 6 की टाइमिंग इंतहाई नामुनासिब थी। उसको खैर हुकूमत सिंध ने इस चीज को रियलाइज करते हुए उन्होंने 8 से 8 की टाइमिंग कर दी। इस पर कदरे जो है वो सुकून है या नहीं है ये हम जानते हैं, तो ऐसी जगह पर हमने इस तरह से किया कि अब जरा हमें मुख्तलिफ राय हो सकता है सुनने को मिल जाए। तो मैं बात करूंगी आपकी जो है वो एक जनरल स्टोर है, आप ये बताइए कि 8 से 8 की टाइमिंग कर दी गई 6 से 6 की टाइमिंग को बदलकर, ये आपके लिए बेहतर है या आप चाहते हैं कि इसमें जरा थोड़ी सी और रिलैक्सेशन होनी चाहिए? ये जो 6 से 6 का टाइम था उसकी निस्बत 6 से 8 की टाइमिंग बहुत अच्छी है जी, 8 से 8 की सॉरी। तो अगर इसको थोड़ा सा और 2 घंटे का रिलीफ मिल जाए तो 8 से 10 हो जाए तो उसके वो बहुत ही अच्छा होगा। यही सवाल आपसे करूंगी, आपसे पिछली दफा भी मेरी बात हुई थी तो आपने बड़ी लॉजिकल कुछ बातें कही थी। मुबारक हो कि जैसे हमने प्रोग्राम किया उसके चंद घंटे बाद जो था वो 8 से 8 वो चले एक मसला हल हो गया। अभी आपको ये मुनासिब लग रही है टाइमिंग या आपको लगता है कि इसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन होनी चाहिए? 2 घंटे की रिलैक्सेशन अगर और मिल जाए तो ये बेहतर रहेगी सबके लिए, कारोबार करने वालों के लिए, काम करने वालों के लिए, यही सर। अच्छा, जो अभी 8 से 8 की टाइमिंग को आप कह रहे हैं कि बेहतर है, लेकिन ये कि अगर इसको 10 तक ठीक है, 10 से 10 की टाइमिंग आप भी ये डिमांड कर रहे हैं। अच्छा, आप कितनी देर में वाइंड अप करना शुरू करते हैं? 8 बजे की अगर टाइमिंग इस वक्त है, आप लोग कितनी देर में वाइंड अप करना शुरू करते हैं? तकरीबन जाहिर है 15-20 मिनट तो लगते होंगे ना आपको सारी चीजें समेटते हुए उसमें, तो तकरीबन कितना वक्त आपको जो होता है मिलता है? 7 बज के कितने मिनट पे आप शुरू कर देते हैं तैयारी? तकरीबन 7:50 पे शुरू करते हैं, तो बाज़ औक़ात मन करते हैं 2-4 कोई कस्टमर आ जाते हैं तो वो उसमें कोई आधा घंटा एक्स्ट्रा लग जाता है, क्योंकि कस्टमर को ज़ाहिर है कस्टमर को मना नहीं किया जाता है, मोहल्ले के लोग हैं तो वो सब जब आके खड़े हो जाते हैं तो उनको हम मना नहीं कर सकते, क्योंकि बंद करते वक्त बाज़ औक़ात वो लोग आ जाते हैं भाई मुझे ये दे दो ये, तो उसमें कुछ थोड़ा सा टाइम लग जाता है जी। अच्छा जी, और आपको तकरीबन आपका बिल्कुल अलग काम है, क्योंकि अलग काम है, मुझे इतना टाइम नहीं लगता, मुझे हार्डली 5 टू 10 मिनट्स। फिर आपको तकरीबन अगर 8 बजे की टाइमिंग है तो आपको तकरीबन ज्यादा भी कर ले तो तकरीबन 7:50 पे आप अपना वाइंड अप करना शुरू? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। और अगर 10 बजे की टाइमिंग की जाए, अच्छा ये मुझे बताएं कि अब पुलिस तो नहीं आती यहाँ पर या पुलिस आती है अभी भी दुकानें बंद करवाने के लिए अगर थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो जाए? नहीं, कभी कभार आते हैं, वैसे वो फोर्स नहीं करते, तावन करते, रेगुलर नहीं आ रहे हैं, कभी कभी आ जाते हैं। अभी 8 से 8 की टाइमिंग जैसे हम आपसे बात करके गए उसके कुछ घंटों के बाद जो था वो नोटिफिकेशन आ गया कि भाई 8 से 8 की टाइमिंग कर दी गई है 6 से 6 की टाइमिंग की वजह। ये टाइमिंग 8 से 8 की आपके लिए कदरे बेहतर है या आपको इसमें से भी थोड़ी सी चाहिए कि आप थोड़ा सा चाहते हैं कि रिलैक्सेशन चाहिए होगा? हमें टाइम और चाहिए होगा क्योंकि 8:30 बजे दूध की गाड़ी आती है भैंस कॉलोनी से। अच्छा, उसके बाद दही लगाना, उसका खट्टा लगाना टाइम लगता है, काफी कम से कम 10:30-11 बजे का टाइम तो हमें तो चाहिए होता है। अच्छा, अच्छा, अगर सुबह के वक्त में आपकी जो अमूमन हमें ऐसा लगता है कि जैसे जो दूध और दही की दुकानों की एक शोहरत ये होती है कि भाई आप फजर के वक्त से खुल जाती हैं, बोलते हैं दुकान, फिर ये आपका अगर मैं गलती पे नहीं होता ज्यादा ही तवालत वाला काम नहीं है आपका, थोड़ा सा ज्यादा ही आपका ड्यूरेशन ज्यादा नहीं होता? क्योंकि देखिए आप दूध की और ये दही की जरूरत जो होती है वो दिन में किसी वक्त भी पड़ सकती है, तो जब भी हम आते हैं तो दुकान जो है वो हमें चाहिए होती है, बच्चों को भी दूध चाहिए होता है, घर के इस्तेमाल की सबसे बड़ी जरूरत है किचन की दूध। तो अभी आपने मुझे ये बताया कि आपका जो पीक आर होता है वो होता है शाम के बाद, क्योंकि आपकी दूध की गाड़ी वहां से आती है? गाड़ी दोनों टाइम आती है, दो टाइम आती है, ये कंफ्यूजन थी मुझे, यही मैं देख रही थी कि 7 बजे से आना शुरू हो जाती है और 9 बजे तक गाड़ी आती है और रात में भी यही टाइमिंग होता है। हाईवे से जो गाड़ी आती है वो 6:30-5:30 शुरू हो जाती है और 8:30-7:30 तक आती है, भैंस कॉलोनी की गाड़ी 9:30-9:30 तक आती है। यानी कि दिन में ये कंफ्यूजन थी मुझे कि दिन में दो दफा, याद रखिएगा कि ये जो डेयरी जो की जो दुकानें होती हैं दूध और दही की जो दुकान होती है जो बड़ी जरूरी होती है इनकी जो टाइमिंग है ये दिन में 2 मरतबा होती है, यानी कि दूध की आमद जो होती है तरसील जो होती है वो दिन के 2 वक्त में होती है, एक सुबह के वक्त में होती है जब भी हमें ये फजर के वक्त जो है ये दुकानें खुली हुई मिलती हैं और उसके बाद जो है
क्योंकि दूध का एक टाइम होता है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ये सड़ जाता है, फट जाता है, वेस्ट हो जाता है और बॉडी बहुत भारी मिकदार में चूंकि यहाँ पे होता है, इस वजह से इनका नुकसान ज्यादा ज्यादा होता है। फिर शाम के वक्त पे 9 बजे के 8 बजे के करीब गाड़ी आती है दोबारा और फिर वो रात तक रहती है, रात तक रहती है, रात तक 9:30 बजे तक गाड़ी आती रहती है। तो आपको तकरीबन कितना कितना तकरीबन वक्त दरकार? ये देखो कि अब दूध आता है घंटा डेढ़ दो घंटे तो ठंडा करने में लग जाता है, मशीन चलाते हैं उसको, जब तक बंद नहीं कर सकते जब तक जा नहीं सकते कहीं भी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस कोरोना की दूसरी लहर में आपके कारोबार में कोई फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, या फिर आपको जो है वो सही मामला चल रहा है? हम ये कहते हैं कि कोरोना के जो दूसरी लहर चल रही है इसके अलावा जो हम खुद भी सैनिटाइजर वगैरह यूज करवाते हैं और कस्टमर जो हमारे आते हैं बेसिकली उसके लिए जो है डिस्पोजेबल कप यूज करवाते हैं, क्योंकि साथ साथ में इसलिए कि कोरोना की वजह से ताकि लिहाजे रखे। ये मैं जानना चाहूंगी कि अभी मेरे प्रोग्राम में ना, अभी मैंने तवातुर के साथ ये प्रोग्राम कर रही हूँ, ये तो मैं अक्सर बेशतर जब किसी के पास जाती हूँ ना, खास तौर पे जो ये रेस्टोरेंट या फिर कोई, तो उनका ये कहना होता है कि साहब, या फिर कोई दूसरा मरकज होता है उसमें कहते हैं कि साहिबा बाजी हम तो खुद अपनी तो SOPs का ख्याल रख रहे हैं लेकिन अब लोग नहीं कर रहे तो हम उनको जबरदस्ती नहीं करवा सकते। तो इसका जवाब ये है कि अगर आप करवाना चाहें लोगों को इसका पाबंद तो आप करवा सकते हैं, जिस तरह यहाँ पर करवाई जा रही है। तो लोग कोई जो यहाँ पर आते हैं वो इस चीज को अभी समझना शुरू हो गए कि कोरोना वाकई में बड़ा सीरियस एक इशू है। हाँ, लोग तो ये माशाल्लाह यहाँ भी जो भी आते हैं अक्सर डिस्पोजेबल कप में चाय देते हैं, उसके अलावा सैनिटाइजर वगैरह और मास्क भी पहन के आते हैं लोग कस्टमर, और फासले पे हम 6 फुट के फासले पे चेयर लगवा लेते ताकि जो है ना फासले रहे कस्टमर के वजह, इस लिहाज के वजह। टाइमिंग जो है 10 से 10 की आपके लिए ज्यादा बेहतर आप समझते हैं इसको, या 6 से 6 की ज्यादा बेहतर थी या 8 से 8 की? क्योंकि जाहिर है कि फिर लोगों का जितनी ज्यादा आमद होगी आपके कारोबार में जाहिर है कि वो आपके लिए उतना ही बेहतर है, तो क्या उसमें थोड़ी सी लोगों की तादाद कम हो गई है जो ये टाइम का एक रिस्ट्रिक्शन है? हाँ, टाइमिंग तो जो 10 से 10 से वो हमारे लिए काफी बेहतर है, क्योंकि कराची की रौनक की रात में ही होती है जो है ना, ज्यादातर दिन में तो इतनी होती नहीं, हमारी रेस्टोरेंट वगैरह जो होते 4-5 बजे ऑन करवाते तो रात में जो है ना हमारी रौनक होती है, कराची बेसिकली देखा जाए कराची की रौनक की रात में होती है। जो आप भी यही कह रहे हैं कि 10 से 10 का टाइम आपके लिए भी ज्यादा बेहतर है? जी, ये हमारे लिए काफी बेहतर है। आपका अगर मैं गलती बनी हो तो आप जो है वो 5 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक आपका खुला होता है? जी, वैसे बेसिकली जो है ना जो हफ्ते इतवार तो रश ज्यादा होते, कस्टमर काफी होती, छुट्टी होती है, इसी वजह से तो बेसिकली 3 से 4 बजे तक होती, वैसे जो है ना 2 से 3 बजे तक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के आखिर में मैं सिर्फ आपको ये रौनक दिखाना चाहूंगी अपने कराची की, कि देखिए कि इस वक्त कराची की इस रौनक को किसी की नजर ना लगे, कोरोना की भी नजर ना लगे, लेकिन कोरोना जो है ना वो किसी पर रहम कर नहीं रहा है, ये बड़ा मसला है। कोरोना किसी के साथ रियायत कर नहीं रहा है और कोरोना से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि देखिए हम अपनी SOPs का खुद ध्यान रखें, ये तो बहुत जरूरी है। और अगर आप करवाना चाहें ना SOPs काम करते हुए लोगों से भी तो आप करवा सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको प्रोग्राम के आखिर में ये भी दिखा दिया कि अगर आप करवाना चाहें ना तो आप करवा सकते हैं, बस कराची की रौनक बहाल रहनी चाहिए, कारोबार चलना चाहिए और कोरोना से लड़ने के लिए किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा हमें लाएमल तैयार करना है। बहरहाल आज का प्रोग्राम कराची के पास बस यही तक, मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, आने के बाद।